नमस्कार, आप देख रहे हैं देसवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। विधान परिषद के सत्र के दौरान राबड़ी देवी भड़क गई। हुआ कुछ यूं कि सत्ता पक्ष के कुछ लोग लालू प्रसाद यादव के शासन काल को लेकर के सवाल उठा रहे थे और उसे जंगल राज बताकर टिप्पणी कर रहे थे, जिस पर राबड़ी देवी भड़क गई और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि लाल जूता खाते रहिए और सरकार में रहिए। और क्या कुछ हुआ सदन में आप खुद देखिए। लाल जूता खाइएगा, सरकार में बना रहिए, नहीं तो हम बंद कर देंगे कार्रवाई, सदन की कार्रवाई बंद कर देंगे। अगर आप लोग नहीं बैठेंगे तो सदन की कार्रवाई बंद कर देंगे। सदन की कार्रवाई, ये लोग चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई बंद हो जाए। महोदय, ये लोग जानते हैं कि सदन की जो बात की यहाँ जरूरत नहीं है, मंत्री जी उसको नहीं बोल रहा, ये लोग नहीं जानना चाहते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से राबड़ी देवी भड़क गई और सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। अब राबड़ी देवी जब सदन से बाहर निकली, उसके बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहना था राबड़ी देवी का, एक बार आप खुद सुनिए। 15 साल ना जो कोटा की जो जाल बिछ गया अपहरण के, आज तभी हो रहा है। आज भी मीडिया वाला पर हिम्मत है तो केस कर दो। मीडिया वाला काहे दिखाता है, दिखाता है, न्यूज देखता है, लोग दिखाता है, तब लोग देखता है, छपता होता है, घटना होता है, अपहरण हो, बलात्कार हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, चाहे हर चीज लोग दिखाता है। घोटाला हो, पर घोटाला हो रहा है बिहार में, मीडिया वाला भी तो छिपल लिखे ना, चाहे पब्लिक से बिहार के जन उसी पर गरमा गर्मी। सदन में आपने कहा कि लाल जूता खा रहे हैं, सरकार में बने रह रहे हैं, ऐसा क्या, ऐसी क्या बात हो गई थी? कल जो हुआ सो सब दुनिया देखा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ देसवा न्यूज पर। धन्यवाद।